सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 5 जून के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के पहले अरबपति रैपर कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जे जेड। अच्छा, रैपर मतलब वो होता है जो रैप करते हैं, रैप से मेरा मतलब है कि जैसे आपका हनी सिंह नहीं हो गया, रैप करता है, बस वही वाली बात है। तो फोर्ब्स मैगजीन की अभी एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया है कि जे जेड दुनिया के पहले अरबपति रैपर बन गए हैं। अच्छा, ये है कहाँ से? तो ये अमेरिका से हैं, एक अमेरिकन रैपर हैं ये। अच्छा, आप में से मुझे कौन बताएगा? आपको पता होगा पिछले महीने हमने देखा था फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची आई थी, उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे दुनिया के? तो अमेजन के संस्थापक कौन? जेफ बेजोस थे। अच्छा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। उनका इस फोर्ब्स की सूची में क्या स्थान रहा था? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, याद रखना, 13वां स्थान रहा था। अच्छा, उससे पहले आई थी हुरुन रिच लिस्ट, उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति किसे बताया था? अमेजन के जेफ बेजोस को ही बताया था। और हुरुन की लिस्ट में मुकेश अंबानी का क्या स्थान रहा था? 8वां स्थान रहा था। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है और ये भी बताया है कि ये हुरुन वाला एग्जाम में पूछ लिया गया है। अच्छा, फोर्ब्स की ही एक सूची आई थी जिसमें बताया था कि दुनिया में सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अमीर कौन बनी है? तो काइली जेनर बनी है। बताया था ना मैंने, कॉस्मेटिक सामान बेच बेच के अमीर बनी है, वही वाली लड़की है। अच्छा, फोर्ब्स की एक और सूची आई थी, उसमें बताया था कि स्पोर्ट टीम के मालिकों में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। कौन सी स्पोर्ट टीम है इनकी? आईपीएल की टीम नहीं है क्या इनकी? मुंबई इंडियंस। अच्छा, अभी आईपीएल जो 2019 थे वो इसी ने तो जीता है, मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा करके? चेन्नई सुपर किंग को हरा करके। और आईपीएल का आखिरी मैच कहाँ हुआ था? हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, हिंदुजा ग्रुप का तीसरी बार यूनाइटेड किंगडम के रिच लिस्ट को टॉप किया हिंदुजा ग्रुप ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को WHO अवार्ड 2019 दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान को। तो एक्चुअल में राजस्थान सरकार के मेडिकल एंड स्वास्थ्य विभाग को इसके तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में उपलब्धि के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पुरस्कृत किया है। तो राजस्थान का ये जो स्वास्थ्य विभाग है ना, ये देश की एकमात्र सरकारी एजेंसी है जिसे तंबाकू मुक्त पहल के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा, अभी नो टोबैको डे हमने कब मनाया? 31 मई को मनाया है। मैंने आपको इसे ट्रिक से याद कराया था एक शानदार वाली पजल वाले वीडियो में, याद है ना आपको? अच्छा, आपको यह भी पता होगा अभी राजस्थान ने ई सिगरेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा देखो, राजस्थान के बारे में तो कल ही मैंने आपको या परसों ही मैंने आपको डिटेल में बताया था, आज मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और मैंने यहाँ से आपको लिंक करके याद करवाया था कि 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, याद आया आपको? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तेड्रोस अदानोम है। ये मैंने आपको खूब याद करा रखा है। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख वैज्ञानिक कौन बनी थी? सौम्या स्वामीनाथन को, ये भी मैंने आपको याद कराया हुआ है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कानपुर टॉप पर रहा था, और इन 15 शहरों में से 14 तो भारत से ही थे। और अभी आपको पता हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जेंटीना और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था। अच्छा, मलेरिया से आपको याद आया, मलेरिया का पहला टीका विश्व में कहाँ पर लॉन्च किया गया था? एक अफ्रीकी देश था, कौन सा? मलावी था। अच्छा, बता दो फिर आप मुझे मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को अपन ने मनाया, उसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जून को। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। एक्चुअल में अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है 3 जून को क्या मनाया? वर्ल्ड साइकिल डे मनाया। अच्छा, मुझे बताओ 1 जून को अपन ने क्या मनाया था? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था। 2 जून को तेलंगाना ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया था। कब हुआ था तेलंगाना की स्थापना? 2 जून 2014 को, और ये हमारा सबसे नया 29th स्टेट बना था। और अब 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे अपन ने मनाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मेट्रो और बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, दिल्ली ने। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सभी DTC बसें और मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर देने की घोषणा कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षा के लिहाज से सेफ माना गया है। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे ना, तो मैंने आपको बताया था लग्जमबर्ग पूरी दुनिया
में ऐसा पहला देश बन गया है जो अपने नागरिकों को फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा देगा, सभी नागरिकों को, चाहे बूढ़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, बच्चे हो, सबको, और ये सुविधा 2020 से चालू हो जाएगी। अच्छा, बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजाल है। और दिल्ली के सीएम कौन है? सबको पता है, अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से याद आया, कैबिनेट मिनिस्टर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अरविंद सावंत के बारे में। तो अगर आपने कैबिनेट मिनिस्टर वाली ट्रिक देखी है जो मैंने आपको वीडियो दिया था, तो फिर आप मुझे बताओ अरविंद सावंत के पास कौन सा मंत्रालय है? तो आंसर होगा भारी उद्योग मंत्रालय। और आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो देखा आपने उस ट्रिकी वीडियो की पावर। आपसे रैंडमली मैंने अचानक से प्रश्न पूछ लिया और आपने फटाफट से आंसर भी दे दिया, आप तो मतलब इंटेलिजेंट ही हो गए हो। अच्छा देखो, अभी आपको पता है ताइवान एक्सपो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए नमस्ते थाईलैंड महोत्सव ये कहाँ पे हुआ था, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ था। और फरवरी में राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2019 ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट, 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करा करें। देखो, आप शेयर करोगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपके केवल शेयर करने मात्र से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आपको कॉन्फिडेंटली पढ़ा पाऊंगा? अगर मैं खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं रहूंगा तो मैं आप में क्या कॉन्फिडेंस ला पाऊंगा? और मैं तो आपसे ऐसी चीज मांग रहा हूँ जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। शेयर और लाइक करने में मेरे ख्याल से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और उसके बदले में मैं आपकी लाइफ सेट कर दूंगा। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अच्छा देखो, इसके बाद आरक्षण की सीमा 50% की जगह 63% तक पहुंच जाएगी। तो अगर इसे लागू किया जाता है तो मध्य प्रदेश ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन जाएगा। अच्छा देखो, आरक्षण से मुझे याद आया, चलो आपसे पूछते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? बताओ फिर। गुजरात बना था। मैं आपको कई बार रिवाइज भी करा चुका हूं। अच्छा, बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा एमपी। कैपिटल क्या है? भोपाल है। अच्छा याद रखना, भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? भोपाल है। और सबसे स्वच्छ शहर बोलेंगे तो इंदौर है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ है। अच्छा, एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया था कि इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। अच्छा, आपको पता है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए असम के खजुराहो के मंदिर को क्या कहते हैं, तो बता पाओगे आप? पजल वाले वीडियो में मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं ये वाला, क्या कहेंगे? तो आंसर होगा मदन कामदेव। अच्छा, मध्य प्रदेश की पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा फिर आप मुझे बताओ फटाफट से, देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। अच्छा, आपको याद भी रखना है, मैंने आपको नवंबर या दिसंबर में बताया था देश का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ पे खुला था? तमिलनाडु में खुला था। अच्छा, मध्य प्रदेश का जो कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। और याद रखना, मध्य प्रदेश का जो 52वां सबसे नया वाला 52 नंबर का जिला कौन सा बना? निवाड़ी जिला बना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भीम बेटका की पहाड़ियां कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो कम से कम इतनी नॉलेज आप रखो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? या इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 जून को। तो बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1982 को। अच्छा, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बच्चों द्वारा पीड़ित और दर्द को समझना। तो चलो, आज मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, वो टिक टिक वाला। तैयार हो आप लोग? देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, डेज वाली पूछूंगा, आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ केवल 3 सेकंड आपको मिलेंगे। आपको उसका आंसर कहीं कमेंट बॉक्स में टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस खुद से देख लेना कि आप उसका आंसर कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल में आपकी पोजिशन क्या है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न।
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 मई को। अच्छा देखो, अगर आपको इसको याद नहीं है ना, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, अब इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी। बी से निकला 20, ध्यान से सुनो, बी से निकला 20, मधुमक्खी को इंग्लिश में बोलते हैं बी, और बी से निकला 20, आपको डे याद हो गया ना, 20। अब बात आती है महीने की, 20 कौन सा, 20 मई, 20 जनवरी, क्या? तो देखो, जब मधुमक्खी आपको काटेगी ना, तो एक ही आवाज़ आएगा, चाहे लड़की को काटे, लड़के को, आपको, मुझे, किसको भी काटे, एक ही आवाज़ आती है, उई माँ, ऐसे ही आवाज़ आती है, उई माँ, कोई मम्मी बोल देगा, ठीक है, माँ मम्मी बात एक ही है, या फिर इनको मैं एक शब्द में बोल सकता हूँ, माई, ओ माई, मधुमक्खी ने काटा, क्या आवाज़ आई, ओ माई, माई 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 माई, याद आ रहा है, बन गई ट्रिक, ठीक है। तो क्या, जैसे एक ऑप्शन, मतलब आपको तो देखना है बस, एग्जाम में टिक करके आना है, आपको हिंट चाहिए थोड़ा सा। एग्जाम में पूछा गया विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं, मधुमक्खी से याद आएगा बी, बी से याद आ जाएगा 20, मधुमक्खी काटेगी, क्या आवाज आएगी, उई मई, मई, 20 मई आपको लगाना है, आगे बढ़ जाना है। अच्छा याद रखना, 20 मई को ही वर्ल्ड मेटेरोलॉजी डे यानी कि विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, और आपको मैंने पढ़ाया था इसी दिन आपकी जो 7 SI यूनिट होती है ना फिजिक्स में, उसमें से 4 को रिडिफाइन किया गया था, पुनः परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न देखो जरा, विश्व जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 मई को। अच्छा इसको भी याद रखना है क्या आपको? तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, हमने कहा बायोडाइवर्सिटी डे, बायो मैंने पकड़ा, बायो, बायो से क्या नंबर निकाल सकते हो आप भाई, महीने में 1 से लेकर 31 तक नंबर होते हैं ना, बायो से कौन सा नंबर मैच कर रहा है आप खुद बताओ, 22 कर रहा है, 22, बायो 22, न तो 15 कर रहा है, न 1 कर रहा है, न 31 कर रहा है, बायो 22, बायो 22 कर रहा है, नंबर फिक्स हो गया। अब बात करेंगे कि गुरुजी महीना कैसे निकालें, 22 मई आता है ना, अब देखो बायो सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी आपने बचपन में लिया होगा, किसी ने आर्ट्स, किसी ने कॉमर्स, किसी ने साइंस, किसी ने क्या, जिसने बायोलॉजी लिया होगा ना, तो आपको पता होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो काटाफटी चीरा फाड़ी बड़े करते हैं। अब ये जिनका जिगरा वाला काम होता है ना, जिनका दिल स्ट्रांग होता है, वो ये काम कर सकता है, मेरी तरह का कमजोर दिन का इंसान नहीं कर सकता, मैं तो छोटा सा खून या खरोच देखते ही चिल्लाता हूँ, ओ माँ, ओ माई, ऐसे करते हैं ना, जिस खून वगैरह कोई कट ले, ओ माँ कितना दर्द हो रहा होगा इसको, ऐसे करते हैं, बहुत से लोग देखा होगा, खासतौर पर गर्ल्स ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ओ माँ, इस तरह से खून देख लिया, काटा हुआ देख लिया, ओ माँ, माँ, माई, फिर आ गया माई, मिल गया आपको आंसर जवाब। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, तो बायो से याद आ जाएगा 22, और बायो में चीरा फाड़ी करी, उई माँ, तो माँ माई, तो 22 मई। तो देखो बेसिकली ये कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, इसको ट्रिक्स नहीं कहते हैं, बेसिकली ये एक स्टोरी है जो आप चीज़ों को कनेक्ट करके अपने लिए याद कर सकते हो, और मैं आपको सिखाता हूँ चीज़ों को, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, आप खुद अपनी ट्रिक्स बनाओ, ट्रिक्स नहीं है, बेसिकली चीज़ों के साथ अपनी स्टोरी जोड़ दो, जाओ चीज़ें आपको याद नहीं होती है, आपको तो क्या करना है, किसी को एक्सप्लेन थोड़ी ना करना है, एग्जाम में बस मार्क्स लेकर के आने, आपको हिंट चाहिए, आप टिक लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। अभी जैसे कल एक स्टूडेंट ने, अपन पजल का वीडियो सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे मैं आपको डेज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, कल एक बच्ची ने बोला कि गुरुजी यह जो अपन डेज सॉल्व करते हैं, इनमें ये जो कौन सा डे था, किडनी डे था, इसमें मैं बार बार अटकती हूँ। तो कल ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैंने उनको एक स्टोरी बताई जिससे उनको याद हो गया, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा, माइंड मत करना स्टोरी का, ये केवल आपको याद करने के पर्पज से है, दिमाग मत लगाना ज़्यादा कि ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किडनी डे कब मनाते हैं, तो 14 मार्च को मनाते हैं। आपको पता है 14 फरवरी को क्या मनाते हैं, सबको पता है वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मतलब लड़का लड़की, बात समझ में आ गई। अब वैलेंटाइन डे मनाया, लड़का लड़की पास आए, उसके जस्ट एक महीने बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि बेबी अभी बच्चा नहीं करना, और इसको स्पष्ट अच्छे तरह से बोलेंगे तो अभी बेबी नहीं करना, और इसको अच्छी तरह से बोलेंगे तो अभी किड नहीं करना, बच्चे को क्या बोलेंगे, किड, अभी किड नहीं करना, थोड़ा जल्दी बोलो, अभी किडनी करना, अभी किडनी करना, किडनी किडनी किडनी, याद आ गया। तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक बन गई है, आपको केवल इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि गुरु जी इस तरह की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये केवल आपको याद करने के पर्पज़ से था, ठीक है। तो कल ऐसे ही बात करते करते मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया, फिर मुझे लगा कि यार ये काम की चीज़ है, किसी और की भी मदद हो सकती है, आपको तो एग्जाम में नंबर मारने से मतलब है, 14 फरवरी आपको पता पड़ता है क्या होता है वैलेंटाइन डे, उसके जस्ट एक महीने बाद आ जाओ मार्च में, 14 मार्च को क्या हो जाएगा, किडनी करना, ठीक है, वैलेंटाइन डे से फिर किडनी करना, किडनी, अब आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आप इसी तरह से खुद अपनी स्टोरी बनाओ चीज़ों को, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वहाँ उन स्टोरी को जोड़ दो, ठीक है, आपको वो तब तक याद रखना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, वैसे आपको जिंदगी भर याद रहेगी अगर खुद की स्टोरी जोड़ोगे तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे,
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजीव महर्षि को। अच्छा, राजीव महर्षि कौन है? तो ये भारत के महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कौन? राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक, इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, राजीव महर्षि का। अच्छा, ऑप्शन ए क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? सतीश चंद्र वर्मा, ये छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल बने थे, कल ही बताया था। ऑप्शन सी क्या लिख रहा है? एंटोन आदित्य सुबवो, तो ये बैडमिंटन एशिया के अध्यक्ष बने थे। कौन? एंटोन आदित्य सुबवो। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? मनीष माहेश्वरी, तो ट्विटर इंडिया के सीईओ बने। कौन? मनीष माहेश्वरी। अच्छा देखो, मनीष से मुझे याद आता है हमेशा मनीषा की, मनीषा कुलश्रेष्ठ। कौन है ये, क्या मिला इन्हें? तो 2018 का बिहारी पुरस्कार मिला था। किस उपन्यास के लिए? कौन सा उपन्यास था इनका? स्वप्न पास के लिए मिला था। और मैंने बताया था ये बिहारी पुरस्कार राजस्थानियों को दिया जाता है, मतलब मनीषा कुलश्रेष्ठ राजस्थान से है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, ये मैं आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के लिए किसने समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ने। तो अभी इंडियन ऑयल और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नई दिल्ली में कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ना, इसमें गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक एलपीजी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इस तरीके से ये दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन होगी। लंबाई इसकी लगभग होगी 2757 किलोमीटर की। अच्छा, ये एलपीजी की पाइपलाइन है ना, तो आप मुझे बताओ, आपको पता है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बेसिकली ये होती क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और आपको पता है ये ऑडरलेस होती है, मतलब इसमें कोई दुर्गंध नहीं होती है। लेकिन आपको पता है घर में जब हमारी एलपीजी लीक होती है तो बदबू आती है उसमें से, तो वो बदबू लाने के लिए, स्मेल लाने के लिए क्या डाला जाता है? ये एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। तो जिनके साइंस आती है ना एग्जाम में खासतौर पर, वो तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अच्छा, फिर आप मुझे एक प्रश्न का और जवाब दो कि तापी पाइपलाइन बैठक अभी कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान के एशगबत में। तापी पाइपलाइन मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन बिछाई जा रही है इन तीनों देशों में अपनी गैस बेचने के लिए। अच्छा देखो, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि देश की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पछाड़ करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रूमा गुहा ठाकुरता का निधन हो गया है, ये क्या थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि गायिका भी थी और अभिनेत्री भी थी। तो अभी हाल ही में मशहूर बांग्ला गायिका और अभिनेत्री कौन? रूमा गुहा ठाकुर का निधन हो गया है। आपको बता दूं, ये मशहूर गायक किशोर कुमार की पहली पत्नी भी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में AAI, अच्छा AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वायु यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोइंग कंपनी के साथ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया के एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए, यानी कि उसे डेवलप और मॉडर्नाइज करने के लिए, अमेरिका की एक बोइंग एयरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है। अच्छा, बात हुई है एयरपोर्ट की, तो चलो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। आप मुझे बताओ सबसे पहले तो कि अभी किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को। और मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके मध्य भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अच्छा, बिजिएस्ट से फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ACI की अभी रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट किसे बताया गया था, बताओ फिर आप मुझे? तो अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, USA का है ये। और इसी रिपोर्ट में हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला था? 12वां स्थान मिला था। अच्छा, इसके अलावा स्काई टेक्स की भी एक रिपोर्ट आई थी और उसने बताया था बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है दुनिया का, चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का। और मैंने आपको बताया था दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल कहाँ पर है, इसी चांगी एयरपोर्ट में है, ये कहाँ पर है? सिंगापुर में है। अच्छा, इसके अलावा एयर हेल्प का एक रिपोर्ट आया था और उसके अनुसार बेस्ट एयरपोर्ट, याद रखना ये किसके अनुसार है, एयर हेल्प के अनुसार बेस्ट एयरपोर्ट किसे बताया था? कतर के हमादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले स्थायी प्रवासी निवासी बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है एम ए यूसुफ अली। तो अभी ICA यानी कि आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने अबू धाबी में बाहरी लोगों को रेजिडेंस के लिए पहला गोल्डन रेजिडेंस परमिट जारी कर दिया है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो योग्य व्यक्ति है उनको ये गोल्डन रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। अच्छा देखो, इस तरह से ये पहला गोल्डन रेजिडेंस परमिट अभी किसको मिल चुका है, तो भारतीय बिजनेसमैन है कौन, एम ए यूसुफ अली, इनको ये गोल्डन रेजिडेंस मिल चुका है। मतलब ये यूसुफ अली यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले स्थायी प्रवासी निवासी बन गए हैं। ये लुलू समूह के अध्यक्ष हैं। अच्छा देखो, ऑप्शन बी क्या लिख रहा है, राकेश मखीजा। तो एक्सिस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं कौन, राकेश मखीजा। ऑप्शन सी क्या है, आशु खुल्लर। सिटी बैंक इंडिया के सीईओ बने कौन, आशु खुल्लर। ऑप्शन डी क्या दिख रहा है, अजीत कुमार मोहंती। बार्क के प्रमुख बने, बार्क के फुल फॉर्म बता सकते हो BARC की, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छा बात हुई है यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो ये रहा मैप में UAE। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। अच्छा अबू धाबी से मुझे याद आता है, अबू धाबी की अदालत ने अभी किस भाषा को तीसरी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना, तो आंसर होगा हिंदी को। अच्छा हिंदी तीसरी है, तो इसकी पहली कौन सी थी, अरबी, और दूसरी थी अंग्रेजी। अच्छा आपको बताया ना, स्पेशल ओलंपिक गेम्स अभी मार्च में कहाँ पे चल रहे थे, अबू धाबी में चल रहे थे। पता होगा आपको भारत ने उसमें 368 मेडल जीते थे। अच्छा इस स्पेशल ओलंपिक गेम्स की एक थीम भी थी, मतलब एक सॉन्ग थीम था, बता सकते हो, I am supposed to be। आपको पता होगा अभी ICC वर्ल्ड कप जो चल रहे हैं उसने भी अपना एक थीम सॉन्ग दिया था, क्या नाम था उसका, स्टैंड बाय था। अच्छा ICC से याद आया, ICC का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, दुबई में ही है। और दुबई से याद आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पर है, आपका दुबई में ही है। अच्छा यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा वाला, जायद मेडल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा भी की है। अच्छा इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है दिरहम, और प्रेसिडेंट कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। लेकिन अगर इसके किंग की बात करेंगे, शासक कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अच्छा आपको याद होगा अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 जो अप्रैल के एंड में हुआ था, काफी मैंने याद करवाया था आपको, उसमें होस्ट कंट्री कौन सा था, तो इंडिया था। अच्छा दुनिया का पहला संभावना मंत्रालय कहाँ पे खुला है, संभावना मंत्रालय मतलब मिनिस्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ही खुला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समिति ने RTGS NEFT से सभी तरह के शुल्क को हटाने का सुझाव दिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नंदन नीलेकणी समिति ने। तो आपको पता होगा जनवरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट कमेटी बनाई थी, और उसके अध्यक्ष किसको बनाया था, इन्फोसिस के चेयरमैन और UIDAI के अध्यक्ष रह चुके नंदन नीलेकणी को। और इन्होंने अपनी अभी रिपोर्ट सौंप दी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले तो RTGS, NEFT और पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर लगने वाले चार्जेस को आपको खत्म करना होगा। अच्छा पॉइंट ऑफ सेल मशीन समझते हो ना, जब आप मॉल वगैरह में, शॉप वगैरह में जाते हो तो अपना कार्ड वहां पे स्वाइप करते हो, तो उसे ही कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। NEFT का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अच्छा इनके बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो अभी आप सिंपल सा याद रख लो, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। RTGS की अभी न्यूज़ आई थी, पता है ना आपको कि इसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया गया है। पहले RTGS से फंड ट्रांसफर करने का टाइमिंग क्या होता था, सुबह 8 से शाम के 4:30 बजे तक, लेकिन अब 4:30 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 6 कर दिया, 1.5 घंटा और बढ़ा दिया गया था। मैंने बताया था RTGS में फंड ट्रांसफर की मिनिमम कितना वैल्यू होता है, कितना भेज सकते हो, कम से कम इतना तो भेजना ही पड़ेगा, 2 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। RTGS में बस ये होता है कि हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफर हो जाता है, NEFT में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बंचेस पैकेट बन के जाते हैं, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो आपको तो नंदन नीलेकणी समिति का नाम याद रखना है। अच्छा देखो बात चल रही है ना RBI की, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ, वो आप याद रख लेना कि अभी आपको वैसे पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि आपको आधार कार्ड कहीं बैंक वगैरह में मैंडेटरी नहीं है, जमा कराओ तो अच्छा है, नहीं कराओ तो भी अच्छा है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि KYC सत्यापन के लिए लोगों को बैंकों में आधार कार्ड जमा कराना ही पड़ेगा, तभी KYC सत्यापन हो पाएगा, यानी कि RBI ने बैंकों में इसे मैंडेटरी कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अच्छा देखो, सीजीएल के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिनका भी पेपर हो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो भी स्टैटिक के प्रश्न आप लोग के आते हैं वो शेयर जरूर करना, जो भी आपको याद रहते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में पूर्ण रूप से देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो सही उत्तर क्या था, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, जो कि पहले पूर्णकालिक प्रथम महिला रक्षा मंत्री भी थी। तो वित्त मंत्री कह दूं या रक्षा मंत्री कह दूं, पहली पूर्णकालिक यही रही है। आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, पजल सॉल्व कर लें अब। अच्छा, जो इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो को फिर से ऑन करना है, फिर मैं आपको उनको सॉल्व कराऊंगा और आपको चेक करना है जो आपने क्वेश्चन करे हैं वो सारे सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये रहे पजल के क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं, पर यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में, वहां पे आराम से इसको मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा गुरुजी, ये पजल का वीडियो कहाँ पर है, वह कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना होगा? अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब बैठे बिठाए मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा, जैसे ही अभी वो आएगा, अभी आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाओगे। अभी वो आ जाएगा, वो आए उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं एक बार चेक कर लो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया हो, आप भूले नहीं हो। और अगर आपको जो आज का हमारा प्रश्न है अगर ये आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। अब आपका यहां पे पजल का वीडियो दिख गया होगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। लाइक और शेयर करना मत भूलना, फिर से कह रहा हूं। चलो मिलते हैं पजल वाले वीडियो पे।